हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? मैं सलमान अली। आज मैं आपके बीच जो टॉपिक लाया हूँ, उस टॉपिक का नाम है शख्सियत। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुख्तसर बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि हम जानते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि शख्सियत, उसको उर्दू में कहा जाता है, पर्सनैलिटी को शख्सियत कहा जाता है। पर्सनैलिटी वर्ड आपके कानों से होते हैं, मेमोरी में जरूर गया होगा कि पर्सनालिटी वर्ड क्या है, व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि कहीं पर भी स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, या कोई भी सोशल इवेंट हो, उसमें आप देखते होंगे कि कोई बड़े आते हैं, पढ़े लिखे शख्सियत कोई आते हैं, वो अपना स्पीच देते हैं या अपना कैरेक्टर अभिनय करते हैं। तो कहते हैं ना कि वो क्या कैरेक्टर है उनकी, किसी क्या शख्सियत है। तो आज मैं उसी की शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है शख्सियत, पर्सनालिटी क्या है, उसकी मीनिंग के बारे में समझेंगे, उसके डिफिनेशन के बारे में समझेंगे और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में समझेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि पर्सनालिटी तो इंग्लिश वर्ड है, ये तो सभी जानते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया है, इसका क्या मीनिंग है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, पर्सनालिटी इंग्लिश जबान से ली गई है, लेकिन ये पर्सनालिटी वर्ड जो है ये लातिनी जबान से लिया गया है, और लातिनी जबान से भी परसोना वर्ड से लिया गया है, परसोना, जिसका मतलब ही होता है मुकोटा। ये जो मुकोट जानते हैं ना, ये मुकोटा, ये जो मेरा फेस नज़र आ रहा है मुकोटा, यानी इसको परसोना का जो मीनिंग निकाला गया। तो परसोना का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है नकली चेहरा, ये चेहरा नकली चेहरा। तो आप जान गए कि पर्सनैलिटी परसोना से लिया गया है, अब परसोना लातिनी वर्ड है, अब परसोना का मीनिंग क्या होता है, परसोना का मीनिंग होता है नकली चेहरा। यानी तो आप ये जान गए होंगे, आप ये जरूर जान गए होंगे कि परसोना का मतलब हो गया नकली चेहरा। तो आप किसी का नकली चेहरा, वो पर्सनालिटी हो गया, हो सकता है, मान लीजिए हो सकता है। लेकिन जब इसकी जो स्टडी किया गया, डीपली स्टडी किया, माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में पढ़ाए बताए, तो उन्होंने इनके बारे में कुछ अलग ही मतलब बताए कि पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि नकली चेहरा, ये बस इसका एक इटिमोलॉजिकल मीनिंग हुआ है कि परसोना लिया गया, परसोना से उसका नकली चेहरा हुआ। लेकिन पर्सनालिटी का मतलब, उनकी असल मतलब उन्होंने बताया आगे, जिसमें बहुत सारे माहिर नफ्सियात थे, उसमें से वैलेंटाइन नाम के भी एक बहुत अच्छे माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने भी अपना एक तारीफ बताया पर्सनालिटी के बारे में। बीसन एंड बीजन्स, ये भी एक शख्सियत थे जिन्होंने पर्सनालिटी की तारीफ किया, उनके बारे में बताया। फिर अल्पोट भी थे, इस तरह के बहुत सारे जुंग थे, जुंग, उसके बाद आपको और भी माहिर नफ्सियात थे जो अपने अपने तस्वर में उन्होंने बताया कि पर्सनालिटी का मीनिंग क्या होता है। तो अभी हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो माहिर नफ्सियात ने जो तारीफ दिया है पर्सनालिटी के बारे में, वो हम जानते हैं। तो पर्सनालिटी को इंग्लिश में डिफिनेशन सुन लीजिए। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। मतलब ये हुआ कि शख्सियत खुदादाद तहसीली जिम्मेदारियों का मजमुआ है, यानी खुदादाद, ये खुदादाद से मतलब हो गया कि नेचुरल, अल्लाह ताला जो दिया है उसकी एक तहसीली हो गया। तो उसको उन्होंने बताया वैलेंटाइन ने कि एक शख्सियत है। फिर बेजन एंड वेशन भी बोला कि शख्सियत फर्द की आदतों, रवैयों, शख्सियतों का मजमुआ है जो हयाताती, समाजी और तहजीबी अनासीर से नमू होता है। मतलब कि पर्सनालिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड ट्रेड्स अराइज फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। मतलब उन्होंने बताया कि जो पर्सनालिटी होता है वो आदत होता है। आदत यानी किसी चीज़ की आपकी आदत है। मान लीजिए अभी आपकी आदत है पबजी खेलना, अभी कितने बच्चे हैं पबजी खेलते हैं, फिर कितने बच्चों की आदत होती है कि वो मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज भी करते हैं, वो उसकी आदत होती है। कितने बच्चे की आदत होंगे कि ब्रश किए चाय पिए, तो और कितने बच्चों की आदत होंगे कि ब्रश करके चाय पिए, पढ़ना स्टार्ट किए। तो ये एक आदत हो गई, इसका रवैया एटीट्यूड जिसको कहते हैं, उसके बाद उसकी खसूसियात हो गया ये सारा, तो एटीट्यूड। तो आप इस डिफिनेशन से आप ये पता लगा लिए होंगे कि वो इंसान की जो बिहेव है ना, वो बिहेव जो उसका तर्ज अमल जो है, वो जो सामने पेश आता है वही पर्सनैलिटी है।
समझ गए। पर्सनैलिटी मतलब कि आप किस तरह किसी लोगों के साथ बिहेव करते हैं, आपका जो बिहेवियर है वो सामने जब लोगों के बीच आता है तो उसी बिहेवियर को देखकर आपके पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जाता है कि ये पर्सनैलिटी वेल पर्सनैलिटी है, अच्छे पर्सनैलिटी है। तो इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी का शनाख्त किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी का आपका जो शख्सियत है उसके बारे में पता चलता है। मान लीजिए कि ये पर्सनैलिटी, आप अगर पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो कोई सोशल इवेंट हो रहा है, कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज हो रहा है, चाहे वो आपके स्कूल में या आपके समाज में, तो आप देखेंगे कि वो एक सोशल इवेंट, मतलब सोशल मतलब बहुत सारे लोगों के बीच, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और अपना अपना राय देते हैं और वो जो भी प्रोग्राम होता है उसको वो सफल बनाते हैं। तो उस समय वो प्रोग्राम में आप किस तरह से आप उसमें पेश आते हैं, अपने कैरेक्टर को किस तरह प्ले करते हैं, और वो प्ले जब ऑडियंस देखते हैं फिर रेटिंग देते हैं तो आपको एक रिजल्ट देता है कि ये बंदा अच्छा काम किया, अच्छा प्ले किया, तो वो आपकी शख्सियत उससे सामने जाहिर आई। किसी की लैंग्वेज, किसी की जवान अच्छी है, फिर किसी की रवैया अच्छी है, तो ये पर्सनैलिटी के बीच में पर्सनैलिटी आ गया। अब आते हैं हम पर्सनैलिटी के डिफिनेशन जान गए, पर्सनैलिटी कहाँ से है वो जान गए, अब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के जानते हैं कि कुछ माहिरों ने लोगों को बताया कि पर्सनैलिटी ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं। तो आज हम अभी सबसे पहले टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं कि देखिए इसमें दो तरह के पर्सनैलिटी के बारे में, एक जिस्मानी तौर पे जो पर्सन होते हैं उसके बारे में बताया, एक दिमागी तौर पे, दिमागी तौर पर पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले हम जिस्मानी बनावट की बुनियाद पर पर्सनैलिटी का दर्जाबंदी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या है वो पर्सनैलिटी। तो कुछ माहिरीन नफ्सियात ने शख्सियत के दर्जाबंदी इंसान की जिस्मानी बनावट की बुनियाद पर की है, मतलब कि इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बॉडी जो लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे वो उन्होंने बताया कि शख्सियत ऐसी है। इसी में एक सेल्डन नाम के बहुत अच्छे माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने शख्सियत के बारे में बताया कि सेल्डन ने बताया कि कैसे कैसे लोग, मतलब कितने कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस्मानी बनावट पे यानी बॉडी स्ट्रक्चर पे। तो देखिए सबसे पहले उसने बताया लंबे और दुबले पतले यानी एथलेटिक, यानी एक लंबे भी होते हैं और दुबले भी होते हैं। ऐसे भी आप देखे होंगे कि आपका जो भी फ्रेंड होगा कि काफ़ी लंबा हाइट बहुत है और वो पतले हैं, तो एक ऐसे होते हैं शख्सियत। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इस दर्जे में लंबे और दुबले पतले अफराद को रखा गया है, ये लोग अक्सर अलग रहना पसंद करता है, यानी इस तरह के लंबे और पतले वाले लोगों को देख के आपको कैरेक्टर उसको समझ में आ जाएगा कि वो जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं और दूसरों की तनकीद से खुश होते हैं। समझ गया ना, कि मान लीजिए कि लंबे आदमी या पतले हैं वो अकेला रहना पसंद करता है और दूसरों की तनकीद करते हैं, यानी तनकीद में कमेंट करते रहते हैं, लेकिन जब उसका कमेंट कोई दूसरे आदमी करता है तो वो चिढ़ जाता है। तो ऐसे लोग को आप पहचानिएगा, लंबे पतले लोग को, कि वो दूसरे पे तनकीद ज़्यादा करते हैं। ये हमने कह रहे हैं, सेल्डन साहब बता रहे हैं, शायद इनमें से आप भी लोग भी लंबे होंगे तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये साइकोलॉजिकल स्टडी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप जान गए, और भी बताते इनका जोड़ा और भी चेहरे लग, ऐसे लोग दूसरों से रब्त रखना पसंद करते हैं, दूसरे लोग सॉरी आगे बोल दी तनकीद करते हैं लेकिन अपनी तनकीदी को वो नहीं सुन पाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया एथलेटिक। देखिए एथलेटिक वर्ड जो होता है ना, जो क्रिकेटर सब होते हैं ना, कहते एथलेटिक्स है, प्लेयर है, ये एथलेटिक्स है। इसके दर्जे में वो लोग शामिल हैं जो हट्टे खट्टे चुस्त दुरुस्त होते हैं, उनको रखा गया है, वो अक्सर इसमें खिलाड़ी लोगों को देखेंगे होते हैं, और मजबूत होते हैं, जो ऐसे लोग दूसरों से रब्त रखना पसंद करते हैं। ये जो एथलेटिक्स नाम जो होते हैं ना, वो दूसरों के से रब्त रखना यानी तो रिलेशनशिप में उड़ाना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं, उनकी शख्सियत अमूदी होती है, अलग होती है। इनमें इनके मुताबिक हमगी सलाहियत ज़्यादा होती है। अब आते हैं गोल मटोल। अब गोल मटोल भी आदमी होते हैं जिसका हाइट छोटा और गोल मटोल, तो ऐसे लोग के बारे में बायोलॉजी ने क्या बोला है थोड़ा वो भी जानते हैं, इसको इंग्लिश में पाइनिक कहते हैं। इस दर्जे में
छोटे कद की सेहतमंद अफराद को रखा जाता है, ठीक है, छोटे कद और सेहतमंद अफराद को रखा जाता है। उनका जिस्म मोटा और चौड़ा होता है और उनका जो सीना चौड़ा होता है। ये लोग अक्सर आराम तलब होते हैं और उनका मिजाज नर्म होता है, ठीक है। आप देखिए, ये जो मोटे और छोटे और मोटे होते हैं, उनका जो मिजाज होते हैं वो सबसे पहले आराम पसंद करना चाहते हैं, और उसका जो मिजाज है ना, वो जो माइंड, वो नरम पसंद होते हैं और खुश मिजाज होते हैं। तो आप इस तरह से उनको भी कर सकते हैं। अब आप आते हैं दूसरे तपथ, चलिए इसको पॉलिटिकली सोशल आगे भी है, देखिए और भी होते हैं लोग जो पर्सनालिटी डेवलप जो होता है, इकोनॉमिकली भी होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं, उसके बाद एसएसटी होते हैं। अब आते हैं जूंग साहब जो बताए थे, ये भी एक बहुत अच्छी बात बताएं, इसमें भी लोगों की आप पहचान कर सकते हैं सिलसिले अगर इस पर ध्यान रखिएगा। तो जूंग ने बताया कि ऐसे लोग, ऐसे अफराद को उन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा है, यानी अफराद को, पर्सनालिटी को तीन कैटेगरी में बांटा। एक बताए इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। ये तीन तरह के, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। ये इंट्रो वर्ड में ही छुपा हुआ है, आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ये तीन है। जूंग साहब बताए कि जब शख्सियत जो होते हैं उनके तीन तरह के होते हैं। पहला इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट में जिसको उर्दू में दौरान बैन शख्सियत कहते हैं, इंट्रो यानी खुद में वो अपने आप में मसरूफ रहता है। ऐसे लोग जो इनके बारे में उन्होंने क्या बताया, इस जंग में जूंग ने उनकी उन अफराद को रखा है जो खुद मरकूज, खुद बैन, तनहाई पसंद। देखिए उसकी करेक्टर, तनहाई पसंद लोग होते हैं। ये अफराद एहसास अफराज को अंजाम देते हैं और कम गुफ्तगू करते हैं। ऐसे अफराद आवामी तर्ज अमल में अक्सर नाकाम होते हैं, ठीक है ना। देखिए जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, कम बोलते हैं और खुद में मगन रहते हैं, किसी से नो प्रॉब्लम, भाई तुम भी रहो हम भी रहें, अपना मेरे को जीने दो तुम भी जियो, ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोग जो कम बोलते हैं, तनहा पसंद रहते हैं, कभी कभी इस जो वो गलत वे में चले जाते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब भी नहीं होते हैं। तो ऐसे वर्ड, ऐसे आपके भी दोस्त होंगे कि आप एकदम माइंड ब्लोइंग है, इंटरटेनमेंट करना चाहते रहते हैं और पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन ऐसे भी वो लोग होते हैं कि वो सिर्फ अपना काम देखता है, यानी सेल्फिश टाइप का लोग होते हैं। मतलब कुछ लोग, अगर ऐसे कुछ इंट्रोवर्ट लोग हैं तो फिर वो माइंड ना करें। उसके बाद एक्स्ट्रोवर्ट है, एक्स्ट्रोवर्ट नाम से ही जज्बाजी होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना बहुत जोशीला होते हैं, जोशीला मतलब कि जो सोशल वर्क जो है ना उसमें वो बढ़ चढ़ के काम करते हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जैसे कि देखिएगा कि एक स्कूल में आप हैं, विद्यालय में हैं या कहीं रास्ते में हैं, कहीं भी हो और कहीं पे घटना होते हैं, तो आपके साथ में कोई भी ग्रुप में ऐसे लगते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है जल्दी से पहले वो हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जूंग साहब ने बताया कि ये एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, ये समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना जैसे लीडर बन जाते हैं, सोशल वर्कर बन जाते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक्स्ट्रोवर्ट रहना चाहिए, लोगों की मदद भी करना चाहिए, इससे दिली सुकून मिलती है। तो एक्स्ट्रोवर्ट में इस तरह के लोग लेते हैं, ये खास तौर पे सामाजिक काम में दिलचस्पी लेते हैं, माशरती और माली और मकामाती जगहों पर वो अपना काम करने का अंजाम देते हैं। एक होते हैं एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट में क्या होता है ना कि ये देखिए, ये दो का हो गया, एक्स्ट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, और बीच वाला जो है ना उसको एम्बिवर्ट, वो बीच वाला नहीं। तो एम्बिवर्ट मतलब कि उसका जो कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा वो इंट्रोवर्ट से भी मिलेगा और एक्स्ट्रोवर्ट से भी मिलेगा। ऐसे शख्सियत जो होते हैं ना, अफराद जो होते हैं, ये दो के बीच में होते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट के बीच में शख्सियत होते हैं, तकरीबन होते हैं, यक्षा तकरीबन होते हैं।